नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं और इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर एमएड इंट्रेंस फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लगातार स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एमएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएड का जो एंट्रेंस फॉर्म आ चुका है बहुत पहले ही, और इसका लास्ट डेट जो है आप लोगों का वो है 30 जून। कौन सा है? 30 जून आपको याद रखना है। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का लास्ट डेट 30 जून है और इससे पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है एमएड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फीस डिटेल्स के बारे में, एग्ज़ाम कब होने वाले पूरी डिटेल से आपको बताएंगे, किस तरीके से इस फॉर्म को जो है आप अपने मोबाइल के द्वारा घर बैठे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल बटन पर क्लिक कर दो। आपके एक सब्सक्राइब मार्क से एग्ज़ाम स्टोर के प्रति आपका प्यार और भी बढ़ जाता है, तो कृपया इस प्यार को और बढ़ाएँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आके यहाँ पे CSJMU को जो है सर्च करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, ऐसे सर्च करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसको जो है आपको ओपन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक हियर कर दिया है और ये देखिए ओपन हो रहा है। ठीक है गाइज, कुछ इस तरीके का इंटरफेस जब ओपन होगा तो आपको जो है क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये दिया है इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन 2022 और 2023 ओपन रजिस्ट्रेशन। इसको यहाँ पे क्लिक हियर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएड इंट्रेंस ब्राउचर्स। ठीक है, तो ब्राउचर्स चलिए इसको हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसमें मैं वही बताऊँगा पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर एमएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 फॉर एडमिशन इन एमएड प्रोग्राम 2022-24 के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कितना चाहिए एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन लिस्ट 50% और इन इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर एनी इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज बाई UGC इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, यानी BEd, BE, DLED जो है BELED, BA, BEd, BSc BEd इक्विवेलेंट देयर या DLED, ये सब आप देख सकते हैं इसी के इक्विवेलेंट हो और कम से कम 50% होना चाहिए। अपियरिंग वाले भी BEd भर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटेन एग्ज़ाम विल बी 2 आवर, यानी 2 घंटे का आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 मार्क्स होगा बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। BEd सिलेबस ऑफ द छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर रिटेन टेस्ट विल बी कंप्राइज फॉर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपको OMR सीट पे दिए जाएंगे। नो निगेटिव मार्किंग है। क्या निगेटिव मार्किंग है? तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है गाइज। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए फॉर्म जो आई थी आपकी वो 31 मई 2022 को आई थी और इसका लास्ट डेट जो है 30 जून 2022 है। एग्ज़ाम जो है यहाँ पे देख सकते हैं होने वाला है आपका जुलाई 2022 सेकेंड वीक में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, इसका अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल या एग्ज़ाम स्टोर फैमिली को आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जो है ये आपको PDF मिल जाएगा। बाकी ये सिलेबस है क्या रहने वाला है, यहाँ से आप लोग आके देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया वहाँ पे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेगा, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक हियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसको डेस्कटॉप मोड में आप लोग यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे गाइज आपको देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, मैंने इस पर क्लिक हियर कर दिया है। अब देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा आपको, और यहां पे पहले जो है चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं, इंट्रेंस या विदाउट इंट्रेंस, तो मैं इंट्रेंस के थ्रू जाता हूँ। यहाँ पे इंट्रेंस पे आपको क्लिक करना है और इसमें देखिए मास्टर ऑफ एजुकेशन, फीस की बात कर लें
एमएड में जनरल ओबीसी की फीस जो है 1250 रुपये यानी 1250 रुपये हैं। वहीं एसटी एससी की बात करें और पीएच जो हैंडीकैप है उन लोगों की फीस जो है 1000 रुपये है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम, हिंदी में पूरा नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद कैटेगरीज आपकी कौन सी है यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, रिलीजन, फिजिकल डिसेबल, यस और नो, हाई स्कूल कब एग्ज़ाम है, आप लोग का कौन से ईयर में हुआ था, कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर लोकल एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना, परमानेंट एड्रेस क्या है, और यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड बना देना है। कैसे बना सकते हैं यहाँ पे देखिए, एटलीस्ट जो आप पासवर्ड बना रहे हैं कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, मोर देन कैरेक्टर द बेटर, और उसमें मिक्सचर होना चाहिए अपर केस एवं लोअर केस का, यानी अल्प जो है आप लोग का स्मॉल और कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ ए लिस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर @ या जो भी आप हैश जो भी लगाना चाहते हैं इस तरीके का, इसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए और ये कैप्चा फिल कीजिए, रजिस्टर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है गाइज। जैसे ही आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो सेकेंड आपका ओपन हो जाएगा, सेकेंड में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म जो कि कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपको डालना है, उसके बाद कोर्स किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएड बीएड जो भी है मतलब आपको जो भी होगा उसके लिए, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे करना है, और उसके बाद से आपको पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्रोसेस कंप्लीट कर दिए, 2 और बचे हैं और वो भी अपडेट बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कोई भी क्यूरी हो आप लोग बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।